नीतीश कुमार जी ने परिवारवाद के खिलाफ जो मानक स्थापित किया, एक संस्कारी पिता का एक संस्कारी बेटा जो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता है, अपनी शैक्षणिक प्रतिभा का प्रदर्शन करता है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है, और आपका बेटा नौमा पास किया या नहीं किया और राजनीति में के सर्वोच्च पद पर आप ले जाने को बेचैन है, या लालू जी आपका राजनीतिक दुर्भाग्य हो सकता है कि आपका बेटा मैट्रिकुलेशन की परीक्षा भी नहीं पास कर पाया। दूसरी तरफ माननीय नीतीश कुमार जी का अपना जो संस्कार है कि राजनीति को धनार्जन का माध्यम नहीं, वह संस्कार के अर्जन का माध्यम है, तो अपने पुत्र को संस्कार भी दिया, शैक्षणिक प्रतिभा भी उसके अंदर है, तो आपको मुबारक हो ऐसी सोच। आप तो जेल खाने तक पहुंचे ही, अपने परिजनों के लिए भी आपने रास्ता खोला है, यही आपका राजनीति का जो कुसंस्कार है, ये आने वाली पीढ़ी आपको याद करते रहेगी कि भ्रष्टाचार को मानक मानने वाले लोग राजनीति में ऐसे ही दुर्घटना का शिकार होते रहते हैं। बेटा बेटी नहीं है तो हम लोग क्या करें? मोदी जी को, नीतीश कुमार को, आगे बेटा बेटी नहीं हुआ, नीतीश को कैसे हुआ, वो भी राजनीति के लायक है, उसमें हम लोग क्या करें? भगवान से प्रार्थना की लोगों दे बेटा बेटी।